देखिए कई मामले इसमें थे जिसमें पहला तो जो आने वाले त्यौहार और पर्व हैं इसके लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, कहाँ कहाँ शोभा यात्रा हैं, जुलूस हैं, मंदिरों में क्या प्रबंध रहेगा, पंडालों में जो सुरक्षा रहेगी इसके बारे में, पटाखों आदि से संबंधित अग्निशमन जो है इसके बारे में, इसके अलावा एक एंटी क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो जारी हुआ है जनपद में उसके बारे में सबको उसकी गंभीरता को समझने के लिए कहा गया है। ये भी बताया गया है कि अक्सर जो कॉलर अब तक ये डर रहता था कि उसकी जो आइडेंटिटी है, पहचान है, वो लीक आउट ना हो जाए, इसके डर के मारे कई बार लोग जो हैं जो मोहल्ले के जुआ सट्टा कच्ची शराब या शराबियों से परेशान थे वो सूचना नहीं करते थे, लेकिन इस हेल्पलाइन नंबर में सबकी पहचान जो है उसको गोपनीय रखा जाता है। जैसा कि एंटी हेल्पलाइन चालू किया गया, इसमें अभी तक कितना सुझाव देखने को मिला, कितनी शिकायतें आती डेली इसमें कॉल आते हैं, और इसमें जैसे कहीं पर हमने शराब पकड़वाई, कहीं अवैध पटाखे पकड़वाए, इसके अलावा कहीं शराबियों के हुड़दंग की खबर आती है तो 151 और 34 पुलिस एक्ट में कार्रवाई। गली मोहल्ले के अपराध हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम है, जिसमें भलाई बुराई के कारण से लोग अब तक सूचना नहीं देते थे, वो इसमें जमकर सूचना दे रहे हैं। यही बात हमने चौकी इंचार्जों को भी बताई है कि अब इनके क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें समाप्त हों और एक माहौल पैदा हो सुरक्षा का। इसके अलावा जब भी चालान करें तो अपराध की दृष्टि से करें, जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनका चालान वरीयता के आधार पर किया जाए, उनकी चेकिंग की जाए, ना ही जो जन सामान्य के लोग हैं उनको परेशान किया जाए। एंटी हेल्पलाइन जो चालू हुआ इससे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं, जैसे लोग घबराते हैं सूचना देने से? ये लोगों को एक सिटीजन एम्पावरमेंट या नागरिक सशक्तिकरण जिसको कहते हैं, ये जनता को लोकतांत्रिक रूप से एक पावर दिया गया है, किसी भी अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म जाति का हो, वो अपने मोहल्ले का अपराध हो सकता है उसके अंदर झिझक रही हो चौकी इंचार्ज या कोतवाल को बताने में, इससे वो झिझक उसकी दूर हो जाएगी, वो बिल्कुल ही निर्भय होकर के मोहल्ले के अपराध के बारे में सूचना दे सकता है, विशेष तौर से ये संगठित अपराध जो हैं। इसमें सबसे पहले तो सूचना को विभिन्न माध्यमों से तस्दीक भी कराया जाता है, जो एक्शनेबल होती हैं उसमें तो उस सेम डे कार्रवाई हो जाती है। इसमें यह भी है यदि थाना स्तर से कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो CO स्तर से फिर वो कार्रवाई कराई जाएगी। इसमें एज सच कोई समय सीमा तय नहीं है, लेकिन ये मान के चला जाता है कि यदि तस्दीक हो गई तो उसका निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा।